के एक अवतार मेमोरियल हॉस्पिटल में हमने जांच पड़ताल की है और डायरेक्टली डॉक्टर साहब से इन्फॉर्मेशन ली है, जो कि आइए जानकारी लेते हैं डायरेक्टली डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार राजपूत है। कहाँ आपका हॉस्पिटल खुला हुआ है सर? ये मेडिकल कॉलेज के सामने है, गेट नंबर 2 के आगे गैस गोदाम वाली गली है, जिसमें ये स्थापित है। कब से खुला हुआ है सर? 1.5 साल से अभी अस्पताल शुरू किया है मैंने। क्या क्या सुविधा दे रहा है साथ में हॉस्पिटल? मेरे अस्पताल में जो मैक्सिमम सुविधा है वो जनरल सर्जरी को लेके हैं, क्योंकि मैं एक जनरल सर्जन हूँ, सिर्फ जनरल सर्जरी के ही केस लिए जाते हैं, उन्हीं को मैं देखता हूँ, जिसमें कि सारे पेट के ऑपरेशन हैं, स्तन के ऑपरेशन हैं, कैंसर की सलाहें हैं, और डब्ल्यूसी ऑपरेशन हैं, लेटरिन ब्रेस्ट के भी जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। एजुकेशन क्या है सर आपकी? एजुकेशन क्या है सर आपकी, कहाँ से की है? मैंने MBBS किया है 95 बैच में PSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से। उसके बाद मैंने 2002 में MS किया है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से। यहीं पर मैंने चीफ रेजिडेंसी करी और फिर यहीं पर मैंने 5 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब भी किया। सर आप अपने माध्यम से मरीजों को क्या क्या आप एक्स्ट्रा सुविधा दे सकते हो, आप क्या आपका प्लान है आगे के लिए? मरीज के लिए जो एक्स्ट्रा सुविधाओं की जहाँ तक बात है, जितनी भी सुविधाएं हमारे यहाँ रहती हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद करने की बात हो, चाहे वो हमारे यहाँ अस्पताल में एकोमोडेट करने की बात हो, चाहे वो इलाज से संबंधित बात हो, या हो सकता है कि मुझे मेरी सलाह के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर से भी सलाह लेने की ज़रूरत है, या उचित सलाह लेके कहीं रेफर करने की ज़रूरत है, जो भी एक मेडिकल ग्राउंड पे एथिक्स के बेस पे आवश्यकता होती है मरीज के साथ करते हैं। हॉस्पिटल में जानकारी लेने के पश्चात डॉक्टर साहब का यही कहना है कि हमसे जितनी सुविधा मरीजों तक पहुंच सके और अच्छा इलाज हो सके, उससे अधिक करने का पूरा प्लान है